काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल लोक कॉरिडोर के बाद सरकार द्वारिका कॉरिडोर को डेवलप करने जा रही है। इसके तहत मूल द्वारिका के दर्शन के लिए सबमरीन प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार की कंपनी मझगांव डॉक शिपयार्ड के साथ राज्य सरकार ने एमओयू कर लिया है। इसके साथ ही मूल द्वारिका में ही अरब सागर में सबसे बड़ा केबल ब्रिज भी बनाया जा रहा है। बात करें सबमरीन प्रोजेक्ट की तो इसकी शुरुआत अगले साल यानी जन्माष्टमी या फिर दीपावली पर की जा सकती है। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि वाइब्रेट समिट में इसका ऐलान किया जा सकता है। यह सबमरीन लोगों को समुद्र से 300 फीट नीचे लेकर जाएगी, जहां लोग हजारों साल पहले समुद्र में डूब चुके भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के दर्शन कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि यह सफर तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के बीच का होगा। द्वारिका दर्शन के लिए चलाई जाने वाली सबमरीन का वजन लगभग 35 टन होगा और यह पूरी तरह से वातानुकूलित होगी। इसमें एक साथ 30 लोग बैठकर यात्रा कर सकेंगे और हर सीट विंडो व्यू वाली होगी, यानी आप नज़ारा देख सक पाएंगे। प्राकृतिक सुंदरता को आसानी से देखा जा सके, इसलिए सभी तरफ विंडो सीट की व्यवस्था की गई है। हालांकि सबमरीन में 23 यात्री ही दर्शन के लिए जा सकेंगे, क्योंकि अन्य 6 लोग क्रू के होंगे। इसमें 2 ड्राइवर, 2 गोताखोर, 1 साइड और 1 टेक्नीशियन भी शामिल होगा। यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क, फेस मास्क और स्कूबा ड्रेस दिया जाएगा। सबमरीन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधा भी रखी गई है, जिससे सबमरीन में बैठकर स्क्रीन पर सामने होने वाली हलचल को आसानी से देखा और रिकॉर्ड किया जा सके। द्वारिका दर्शन के लिए सबमरीन का किराया फिलहाल तय नहीं किया गया है। गुजरात सरकार ने अब तक किराए की घोषणा नहीं की है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इसका किराया आम जन को भारी पड़ेगा, यानी इसका किराया महंगा होने वाला है।